शायद कुछ अरसे बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, लेकिन अब इन लोगों का ज़माना है, ये लोग आएंगे यहाँ बड़ा मुकाबला कर रहे थे, लतीफ़े सुना रहे थे, मेरे साथ मुकाबला करो, क्या ख्याल है, सुनाएं हम दोनों मुकाबले में। एक शो में मैं जा रहा था, ये बिल्कुल सही बात है, मैं शो में जा रहा था, ऐसी ऑडिटोरियम था, तो उसके गेट से जैसे ही मैं एंटर हुआ तो एक खातून, वो एक फ़ैशन था धोती शलवार का, वो टखनों से ऊंची पैंचे थे, तो वो एक खातून बड़ी तेज़ी से बाहर निकली, उनके पीछे एक साहब थे, जो मैंने खातून को यूं करके देखा तो कहने लगा, जी फरमाइए, क्या देख रहे हैं आप? मैं कहा, जी पैंचे देख रहा हूँ, मुझसे पूछिए। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगा, फैशन है, इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो पैंचा कीचड़ से बचता है, दूसरे अकल को हवा लगती है। आप लोग जितनी बड़ी तादाद में, इसके दुगने लोग पेशावर में बैठे हुए थे, शो हम पेशावर में कर रहे थे, अब ध्यान में रखिएगा। तो एक आर्टिस्ट को मैंने बुलाया, वो आई, उन्होंने आके अपनी गज़ल शुरू की, मुन्नी बेगम वो थी, उन्होंने आके पहली गज़ल शुरू की, ऐ मेरे हम नशीं चल कहीं और चल। लोगों ने बड़ा हंगामा किया। जब दूसरी गज़ल शुरू की, हंगामा थोड़ा कम हुआ, तीसरी गज़ल पर और कम, चौथी पर और कम। जब वो बारहवीं गज़ल गा रही थी तो पेशावर में ऑडियंस पर कब्रस्तान जैसा सन्नाटा था। जब उन्होंने 28वीं गज़ल शुरू की तो एक खान साहब इतना बड़ा छोरा लेके स्टेज पे आ गए, मुन्नी बेगम तो कांपने लगी, वाह वाह वाह, खान साहब, बोला, खान साहब वन साहब क्या करता है, गाओ, तुम मेरा इलाके में मेरा मेहमान है, गाओ, हम तो उसको ढूंढते हैं जो तुमको लेके आया है। शादी हुई नई नई, तो साहब जो है वो शक्की मिजाज है थोड़े से, तो पहले दिन बीवी पे शक कर दिया, कहने लगे, देखिए शादी नई नई हुई है, मैं चाहता हूँ शादी से पहले करके आपकी कहीं मंगनी कोई बात रही हो, कोई कुछ भी हो अभी बता दीजिए, अभी माफ़ कर दूंगा, बाद में पास लिया तलाक दे दूंगा। चुप बैठी रही बेचारी, कहने लगे, देखिए दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ, सच सच बताइए, अगर शादी से पहले कहीं मंगनी रही हो, कोई बात हो, बता दीजिए, अभी माफ़ कर दूंगा, बाद में अगर पास लिया मैं तलाक दे दूंगा। तो बेगम ने गुस्से में घूंघर उठाया, कहने लगी, सारी गिनती भुला दी, आप लोग गुजराती तो समझते हैं ना, ओके एक गुजराती कपल था, नई नई शादी हुई, शादी के दूसरे दिन शौहर जो है आईने के सामने कंघी कर रहे थे, तो पीछे बीवी खड़ी थी, बीवी ने शौहर को देख के कहा, बात सांभो, तमे मने एवा लागो छो, हस्बैंड कॉन्शियस हुए, पहला दिन था, केवो लागो छो, तमे मने एवा लागो छो, अरे बोलने केवो लागो छो, तमे मने एवा लागो छो, अरे बात करने केवो लागो छो, तमे मने एवा लागो छो, अरे केवो लागो छो, तमे बिल्कुल मारा डैडी लागो छो। मियाँ बीवी में बड़ी टसल है, बहुत टसल है, बाग में घूमने जा रहे हैं, एक पेड़ पे नज़र पड़ती है, तोता और तोती बातें कर रहे हैं, बीवी कहने लगी, सुनो देखो ना कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से दोनों तोता तोती बैठे हुए, क्या हम ऐसे ही रह सकते? फिर बात खत्म हो गई। दूसरे दिन पर कहते हैं, देखो कितने प्यार से दोनों तोता तोती बैठे हुए, क्या हम ऐसे नहीं रह सकते? कहने लगे, खामोश रहो, चल पट पट, और बात खत्म हो गई। फिर चार दिन, पांच दिन, छठे दिन जब गए, फिर कहने लगी, देखो ना कितने प्यार से तोता तोती बैठे, क्या हम ऐसे नहीं रह सकते? कहने लगे, पागल हो, और से देखो आज तोती दूसरी है। इस कायनात में सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो मर्द है, मर्द की ज़ात है, बड़े राग देता है, बड़े बातें करता है। शादी से पहले तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें कुदरत ने मेरे लिए बनाया है। बना रहे हो, तुम चलती हो तो तुम्हारे पायल की आवाज़ कानों में रस खोलती है। छोड़ो ना, मुझे ला जा रही है। शादी हो गई, शादी के दूसरे दिन बालकनी में बैठे हुए हैं, कुदरत के नज़ारे ले रहे हैं, सुनो कितना खूबसूरत मौसम है। तुमसे ज़्यादा नहीं, सारा मौसम तो तुम हो। आज देख रहे हो चांद नहीं निकला। चांद की क्या मजाले, चांद तो मेरे साथ बैठा हुआ है। ख़त्म हो गई शादी के कोई डेढ़ महीने के बाद, वहीं बालकनी में बैठे, देखो कितना खूबसूरत मौसम है, चांद नहीं निकला। अरे चांद तो तुम हो, तुम्हें देख के चांद की क्या मजाले जो तुम्हारे सामने निकले। शादी को कोई 5 साल हो गए, वहीं बालकनी में बैठे, सुनो आज चांद नहीं निकला। हाँ देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। शादी के कोई 10-12 साल के बाद वहीं बालकनी में बैठे, देख रहे हो कितना अच्छा मौसम है, चांद नहीं निकला। छुप गया होगा कहीं बादलों के पीछे, बता रहे चांद भी पता नहीं किस चक्कर में रहता है, समझ में नहीं आती, गायब ही हो जाता। शादी के कोई 25 साल के बाद वहीं बालकनी में बैठे हैं, सुनो हाँ चांद नहीं निकला। अबे सो जाओ, मैं निकालता हूँ क्या?
जिंदगी अजाब कर दिया 25 साल से, चांद नहीं निकला, चांद मैं निकालता हूं, चांद सो जाओ, बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी, चांद नहीं निकला, अबे मैं निकालता हूं चांद। शादी के 40 साल के बाद वही बालकनी में बैठे हैं, आज चांद नहीं निकला, सो जाओ, अब निकल के क्या करेगा। यू आर द विनर, टाइम बहुत कम है, फैंस टुगेदर फॉर फैसल काजी।